जरूरत है सावधान रहने की। असावधान ना हो जाए लोग। अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगा तब आप देखेंगे कि इंग्लैंड जैसे देश में भी नवपैटर्न बंद करने के बाद उन्हें खोला और फिर से केस बढ़ना शुरू हो गए। ब्राजील में केस बढ़ रहे हैं, दुनिया के अनेकों देशों में तीसरी लहर भी दिखाई दे रही है। इसलिए हम निश्चिंत बिल्कुल ना हो जाए, हमारी तैयारी चाहिए। तीसरी लहर को हम आने से रोकेंगे या उसकी तीव्रता रोकेंगे, उसकी भयंकरता रोकेंगे। और वो रोकने की जो अपनी रणनीति है, नंबर एक, हम टेस्ट लगभग 80,000 रोज करेंगे प्रदेश में। कल भी लगभग 80,000 किए, उसमें से 274 पॉजिटिव आए। आपसे निवेदन है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कि जिले के हर हिस्से में टेस्ट करना है हमको, ताकि कोई छुपा पॉजिटिव पेशेंट ना रह जाए। ईमानदारी से टेस्ट हो, आरटीपीसीआर की संख्या ना घटे। एक टेस्ट करना है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर बाद में अगर निश्चिंत हो जाते तो लोग टेस्ट करवाने से भी इनकार करते, लेकिन आप एजुकेट कीजिए कि आप टेस्ट जरूर करवाइए। कई जगह अभियान चला भोपाल में, जैसे हाथ फेरे वालों को, मतलब रैंडम टेस्ट सबके, कोविड अलग अलग वर्ग जितने। दूसरा काम हम करेंगे, टेस्ट में पॉजिटिव आ जैसे 274 आई गया तो वो अपने प्रदेश में ही है 274, तो हम 274 में से प्रत्येक की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है जो पॉजिटिव आए हैं उन पॉजिटिव के संपर्क में जितने लोग आए उनकी भी हम टेस्ट करेंगे, ताकि उसमें से अगर कोई संक्रमित हो जाए तो हम उसको पकड़ पाए। चौथी चीज, तीसरी चीज, जो पॉजिटिव है अभी भी उसको हमको आइसोलेशन में रखना है। एक भी केस आए आइसोलेशन में, घर में जग जाओ तो घर में रखे, नहीं तो कोविड केयर सेंटर अपने चलाएंगे, हम बाहर रख देंगे, वहां की देखरेख भी हो जाएगी और वो दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज जिसमें आपका सहयोग चाहिए, किल कोरोना अभियान अपना चलता रहेगा। गांव में सर्दी जुकाम बुखार, पिछली बार हम रोगी में रह गए, कई लोग पीड़ित थे और बताई नहीं, उसके कारण समस्या भयंकर हो गई थी। और इसलिए जहां सर्दी जुकाम बुखार है वहां तत्काल दवाई जैसे अपन ने अभी दिए। तो तीसरी लहर अगर आने से रोकना है या उसकी भयंकरता रोकना है, देखो मैं और आप हम सब चाहते हैं कि अब दुनिया चले, बाजार खुले, व्यापार हो, काम धंधे चले, तो वो भी चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण को नियंत्रित भी करना है। और इसलिए टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और किल कोरोना अभियान, ये चार इसको नियंत्रित करने के तरीके हमारे पास है कि पता चल जाए इसमें छुपे ना। तीसरी लहर कैसे बनेगी आप सोचो। तीसरी लहर बनेगी तब जब हम लापरवाह हो जाएंगे, और खुलने में हमने देखा कि कई जगह लापरवाही आ गई है। भीड़ भाड़, मास्क हटा दो, शादी विवाह जैसे होने लगे, कार्यक्रम होने लगे, तो एक जो संक्रमित है वो 10 को करेगा, 10 100 को करेगा, 100 1000 को करेगा, और धीरे धीरे फिर लहर बन जाएगी। और रोकने का तरीका यह है कि एक पता करते रहे जो मैंने अभी बताया, और दूसरा कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, और उनका रामबाण है मास्क। मास्क अगर ढंग से लगाए तो नहीं हो सकता, संक्रमित व्यक्ति नहीं हो सकता,
प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा दो गज की दूरी, उसमें लापरवाही ना हो जाए, हाथ साफ करते रहना। और इसके साथ सबके लिए नियम बनाए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरा निवेदन है। दुकानदार का आचरण क्या रहेगा, दुकान खोले लेकिन मास्क दुकानदार ने लगाया कि नहीं, दुकान के सामने गोले बने हैं कि नहीं, ज्यादा ग्राहक आए तो दूरी पर खड़े हैं कि नहीं, तो ग्राहक क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, सड़क पे जो चलने वाले साथी हैं उनका व्यवहार क्या रहेगा, कोई साथी बताए तो वो कितनी संख्या में होगा, कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचना है हमको, क्योंकि कार्यक्रम अगर शुरू हो गए तो फिर संख्या बढ़ने लगेगी। लेकिन अपन जाकर दुनिया में चले तो क्या क्या सोचे उसके बारे में, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को सोचना भी है और करवाना भी है, जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन इसका मूल बिंदु है कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, ताकि संक्रमण रोक भी पाए और दुनिया चलती रहे। क्या इस मध्य प्रदेश को इसका मॉडल बना सकते हैं हम कि दुनिया चला तो एक भी हम कोविड के संक्रमण को ना बढ़ने दें, 100-200 के साथ रहे तो पकड़ के उनको वहीं के वहीं रोकते रहे, या केस आ गया माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दो, दो घर है तो दो घर रोको, रोकना पड़ेगा हमको, इसमें थोड़ा बेरहम होना पड़ेगा भाई, जिस घर में उसको कंटेन करना पड़ेगा, और नहीं किया तो तीसरी लहर आ गई तो बार बार कब तक याद करेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है आज जो आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार करेगी टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इन करोना अभियान, कोविड केयर सेंटर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसका पालन करवाएगी, मास्क, दूरी, व्यवहार, कार्यक्रम कैसे होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे, याद आप जिनमें सुझाव मांगूंगा। और आपको प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने जिले के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है, क्योंकि जितनी जवाबदारी मेरी है उतनी जवाबदारी आपकी भी है, तो मिलकर हम लोग तय करेंगे। और तीसरी चीज, चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि टीकाकरण का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया, अलग अलग राज्य टीकों की जुगाड़ कर रहे थे तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी, और जो मेरी सूचना है जुलाई से हमको पर्याप्त डोजेज मिलना शुरू हो जाएंगे, भारत सरकार उसकी तैयारी कर रही है। तो वैक्सीनेशन के अभियान को भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चलाना है, जागरण कैसे इसमें भ्रम है तो वो दूर करें, और आप तय कीजिए, जैसे भोपाल में तय किया दुकानदारों को पहले लगाएंगे, अलग अलग कुछ वर्ग बना दिए जिनका संपर्क ज्यादा आता, सब्जी का ठेला वाला अगर बिना टीके के घूमेगा तो ज्यादा लोग सब्जी खरीद आएंगे तो संक्रमित कर सकता है, तो उसी को पहले टीका लगा दो। तो मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील करना चाहता हूं, आप तय करें वैक्सीनेशन की प्राथमिकता, जून में थोड़ी डोजेज सीमित मात्रा में मिलेंगे, जुलाई में पर्याप्त मिलेंगे, डोज वैक्सीन अदाय उसकी व्यवस्था। तो वैक्सीनेशन के लिए जनजागरण अभियान की रूपरेखा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपने जिले की बनाएगी, उसके यूनिक तरीके कई खोजी है, क्या क्या हो सकता है, मेरा गांव कोरोना मुक्त टीकाकरण युक्त गांव, आप स्लोगन सोचिए कुछ, आप बाल पेंटिंग पूरे जिले में हो जाए टीकाकरण के बारे में, आपके फोटो के साथ होल्डिंग लगा दीजिए, अपील कीजिए लोगों से, आपकी मैसेज आप रिकॉर्ड कीजिए, वॉइस भेजिए, जो सोशल मीडिया पे भेजिए, आप गाड़ी में माइक लगवाते और आपका मैसेज चलवाइए, प्रतीकात्मक रूप से आप सोचिए क्या है, अपने क्षेत्र में आप कहीं शहर नगर है तो उसमें
लोगों के साथ नहीं, चार लोग पैदल चलेंगे, आप जागरण करेंगे, 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे टीकाकरण के, जागरण के लिए आप, और अपील करेंगे टीकाकरण करवाओ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करो। आपको लीड करना है, आप लीडर है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं लीड करने के, एजुकेट करने के, वो आपको करना है। अलग अलग जगहों के अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती है। अब जो चीज भोपाल में लागू होगी वो हो सकता है नीमच पे लागू ना हो, अलग अलग आपके माइंडसेट होता है तो उसके हिसाब से बढ़िया लोकगीत बनवा सकते हैं आप, अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, बुंदेली में, बघेली में, मालवी में, निवाड़ी में, भीली में, गौड़ी में, ये प्रयोग हमको करना चाहिए। ये भोपाल में बैठ के नहीं हो सकती, ये जिले में बैठ के हो सकते हैं। तो आप यूनिक आइडिया खोजिए दोनों चीज, कोविड रोक संक्रमण रोकने के जो उपाय है उनके बारे में और टीकाकरण के बारे में। एक बात मैं आज से ही आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं पिछली बार भी आपको ध्यान में मास्क लगा था, घूमा था सड़कों पर, मैं अनाउंस करते हुए घूमा था कई किलोमीटर, संकट पार करके संभल जाओ, दुकानों में मैंने गोले बनाए थे, स्वास्थ्य आग्रह पे 24 घंटे बैठा था, तब लोगों को लगता था कि होगा तो ठीक हो जाएंगे। आज हम सबको यह करना पड़ेगा, नहीं तो मैं देख रहा हूं कि जब हमने अनलॉक किया तो जगह पर भीड़ उमड़ रही है, अनियंत्रित भीड़ हो रही है, सब जगह नहीं कई जगह हो रही है, लेकिन उसमें संकट फिर बढ़ जाएगा। और ऐसे में फिर कब तक हम बंद करेंगे, नहीं अब नहीं कर सकते, दुनियादारी लॉक नहीं कर सकते। तो ये अपन को योजना बनानी, देखिए मध्य प्रदेश को एक अलग मॉडल बना दें कि नहीं बढ़ने देंगे संक्रमण। फिर एक काम हुआ मैं आपको सौंपना चाहता हूं, जितनी योजनाएं कोविड के अंतर्गत अपन ने बनाई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, आपके जिले में आपके क्षेत्र में कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसको इसका लाभ ना मिले, आपकी ड्यूटी है। फिर हमने अनुकंपा नियुक्ति योजना, आपने शासकीय कर्मचारी अलग, तो इतना व्यापक उसका फलक है आप जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति हो जाए, आप नियुक्ति पत्र दें उनको, कोई छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, तो विशेष अनुग्रह योजना उसको क्रियान्वित करवाए आप। अभी भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है और इलाज की जरूरत है तो कोविड उपचार योजना जो अपनी है उसको लागू करवाएं आप। ये सब जितने अभी जो राशन दिया जाना है, वो राशन कैसे ठीक से बटे चिंता करें उसकी, निःशुल्क राशन आप घूम सकते हैं, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपन को उसमें लगाना है कि देखो इन सब चीजों को आप, मतलब आप जिले को मीट करेंगे, आप एक्टिव करें गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, और उसके साथ 2-3 चीजें और लगती है। एक हमने योग संघ रोग अभियान चलाया, उसका बहुत लाभ हुआ, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, अपने क्षेत्र में हम योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं क्या? योग प्रशिक्षक है हर जिले में, उनका उपयोग करके आप छोटे छोटे कार्यक्रम वही करना है, 5-5 लोगों की, ज्यादा बड़ी संख्या तो नहीं होनी होंगे, हर गांव में कैसे हो जाए और योग जीवन का अंग कैसे बन जाए स्वस्थ रहने के लिए, आपके क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं केवल मंडल स्तर पर नहीं, आप कोशिश करें जितने काम हो सके करवाइए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और
बाद में वो लगातार चलता रहे इसकी कोशिश कीजिए। इस समय एक अभियान और चल रहा है, मैं तो रोज एक पेड़ लगाता हूं लेकिन पेड़ लगाने में रुचि बहुत जगी है समाज की। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनका जन्म दिवस। हम अपने क्षेत्र में अभियान हाथ में ले सकते हैं कि इसके बीच में हम आपके क्षेत्र का कोई बूथ नहीं छोड़ेंगे, कोई गांव जहां पेड़ ना लगे। गांव के सहयोग से 5 पेड़ 10 पेड़ ये जीते जाते ऑक्सीजन प्लांट हो गए हमारे, इसको हम कर सकते हैं। एक और मैं आपको जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, आप अपने यहां हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इनका थोड़ा बहुत पुनर्गठन करना होगा तो हम कर लेंगे, ये चलने वाली है। इसमें 2 लोग ऐसे छाती है जो हेल्थ के प्रति बहुत सजग और जागरूक है, स्वास्थ्य के प्रति, उनको हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग दे दें और वो जागरूकता के साथ सब चीजें क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर भी देख सकते हैं या बाहर से देख सकते हैं, कुछ मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो गांव पे ध्यान रखने वाले की कोई बढ़ तो नहीं रहा, कोई और बीमारी तो नहीं है, इसको केवल कोरोना नहीं बाकी बीमारियों से भी जोड़ दें अपन। मौसमी बीमारियां होती है, बच्चों के कई तरह के टीकाकरण होते हैं, अभी पिछड़ गए तो टीकाकरण का अभियान चलाना है अपन को, क्योंकि बाकी बीमारियों से भी बचाना है। तो हर गांव में एक महिला और एक पुरुष, 2 लोग छाती है जिनको कुछ मिनिमम ट्रेनिंग दिलवाएंगे और वो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य शायद जो भी कुछ नाम देंगे अपन सोच लेंगे, स्वास्थ्य जनसेवक कुछ भी करके। और वैसे ही ब्लॉक में हम 3 लोग सोच सकते हैं। देख, एक नई पहल इस महामारी से सीख लेंगे, हम कुछ अलग करें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, तो ओवरऑल अपने प्रदेश में हो जाएगा। ललक यही है मेरे मित्रों कि जो तीसरी लहर कई देशों में दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश को उससे बचाना है। बाकी काम अपन करेंगे, आप विधायक मित्र बैठे, आदरणीय सांसद बैठे, बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाइयां, बाकी सब अपन करते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उसकी सीमा है। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन अगर कोई सीमा के बाहर अगर कोई लहर आ गई तो हर व्यवस्था फिर छोटी पड़ जाती है, इसलिए वो व्यवस्थाएं तो बनाए लेकिन वो परिस्थिति ना आने दें, ये हम चाहे तो कर सकते हैं और कर तब सकते हैं जब हर एक व्यक्ति को उसके लिए तैयार कर लें। अब मास्क लगाना है तो मुख्यमंत्री अगर अकेले के मास्क लगाने से काम चल जाता तो मैं लगा रहा था 24 घंटा, लेकिन मास्क तो हमको आम आदमी को लगवाना पड़ेगा ना, तो वो एजुकेट करना आपकी जवाबदारी है। लीडर वही है जो जनता को सही दिशा में ले जाए, नेता कौन है, वो सही दिशा में लीड करके ले जाए वही लीडर, और आप लीडर हैं, आप सही दिशा में जनता को लेके जाइए, आपसे मतलब हम मिलके, यही मेरा आग्रह है। अब कई चीजें अपनी खुल गई हैं, कुछ चीजों पर हमने अभी प्रतिबंध लगा रखा है तो उसके बारे में भी हमको विचार करना है कि जो बड़ी चीजें हमने रोकी है। मैं आज आपसे ये भी सुझाव और सलाह चाहता हूं कि बाजार तो खुल गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें, शादी विवाह, बाकी आयोजन कार्यक्रम, पूरी जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं तो अपन मान के कर दे, पूरी जिम्मेदारी से कम बढ़ने नहीं देंगे संक्रमण। तो कितनी चीजें हमको नियंत्रित रखनी चाहिए उसके बारे में भी आपसे सुझाव चाहिए। एक हमने तय किया है कि विधायक निधि का 50% आप जनसंपर्क के रूप में दे सकेंगे, अगली कैबिनेट की बैठक में हम ला रहे हैं उस विषय को,
ताकि समय आने पर जरूरतमंदों की कुछ मदद की जा सके। तो वो फैसला कर लिया है ताकि छोटी सहायता की आवश्यकता हो तो आप तत्काल उसको ढंग से कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से कोरोना को हमने नियंत्रित किया है और आगे आपके सहयोग से ये नियंत्रण रखते हुए मध्य प्रदेश को ऐसा मॉडल बना देंगे कि हम दुनिया भी चलेगी, मध्य प्रदेश में गतिविधियां भी चलेगी और कोरोना के संक्रमण को हम नियंत्रित भी रखेंगे और तीसरी लहर विकट हो ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद। अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा और उस प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपके सुझाव हमको क्या करना चाहिए। जो कुछ चीजें मेरे मन में थी मैंने आपको बताई, लेकिन सुझाव का केंद्र एक ही रहेगा, कोरोना का संक्रमण ना बढ़ पाए। चौहान को जहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट की वो बैठक ले रहे थे कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो अब कम होता नजर आ रहा है, कंट्रोल होता जा रहा है, लेकिन तीसरी लहर के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। बल्कि मुख्यमंत्री का तो ये कहना है कि हम तैयारियाँ ऐसी रखें कि तीसरी लहर आने ही ना पाए, अगर आती है तो उसका सामना डटकर किया जाए। कैसे ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया जाए और लोगों को हमें समझाना होगा और लोगों को भी समझना होगा। यहाँ जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है।